ओम शांति। वाणी चल रही थी 2 अप्रैल 1968 जो 21 जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। अर्थात पुरुषार्थ की अंतिम स्टेज में जाकर भी जिनका स्वभाव मीठा नहीं बन पाता है वो 21 जन्म लेने वाले ऑलराउंडर पार्टधारी नहीं हो सकेंगे। चौथा पेज, कोई तो झट बाप को बतलाते हैं, आज हमसे कड़ुएपन की यह भूल हो गई, तो बाप भी खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ तो फिर और क्या चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी होते हैं और यहां तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही इकट्ठा है। तीनों की खुशी राजी मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो तीनों ही नाराज होंगे। बाप नाराज हुआ माना टीचर भी नाराज हुआ, गुरु भी नाराज हुआ। तो बच्चों को तीनों को ही राजी करना है। कहा जाता है ना, बड़ों को बड़े अदब से देखना चाहिए, गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं आता हूं तुमको पावन बनाने के लिए, मेरे आने का मकसद क्या है, तुमको पावन बनाकर ले जाता हूं। फिर गुस्ताखी करते हो तो क्या हाल होगा। बाप तो बहुत ही प्यार से समझाते हैं, तुम अपना अकल्याण क्यों करते हो, श्रीमत पर चलो, खान पान तो सभी को मिलता ही है, बाप के बच्चों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको पुरुषार्थी जीवन में 2 रोटी न मिलती हो। पुरुषार्थ के लिए और क्या चाहिए, पेट भर सुखाला भोजन मिलता रहे पुरुषार्थ चलता रहेगा। शुरू में तुमको ऑलमाइटी बाबा ने छाछ और डोडा खिलाया था, डोडा बाजरे की रोटी, देखूं इनकी जवान कहां खिचपिट तो नहीं करती है।
छाछ और बाजरे का डोडा था। अभी इनको सिर्फ छाछ और बाजरे का डोडा दो तो इनका माथा ही खराब होने लग जाएगा। बाबा ने सभी को खिलाया था, सिर्फ देखने के लिए कि देखें ये मेरी डायरेक्शन पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। कौन सा डायरेक्शन? डायरेक्शन है ना, जो खिलावे जो पिलावे, जहां बिठावे जहां ले जावे, जैसे चलावे। बाबा ने तो छोटेपन में ही डोडा और मक्खन बहुत खाया है। तुमको तो मक्खन नहीं मिल सकता था, पूरी बड़ी की बारात थी, सबको इतना मक्खन कहां से आवेगा। अभी तो देखो बाप कहते हैं जो चाहो उसको खा सकते हो, परंतु कोई आदत न पड़ जावे। भोजन तो बहुत अच्छा मिलता है, गुड़ की चाय पिलाते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, बाबा कहेंगे दरकार नहीं है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, बहुत बच्चे कहते हैं बाबा मोटर भेज दें, पूछते हैं, बाबा लिखते हैं इस मोटर कार में तो बड़ी खिटखिट होगी, फिर याद में रह नहीं सकेंगे। जो राइट हैंड थे वो तो चले गए, सारा काम इन बाबा पर आकर पड़ा है। अब की बात बताइए। यज्ञ के आदि की बात बताई कि जो राइट हैंड बच्चे थे वो तो चले गए, फिर कौन से हैंड्स रह गए? लेफ्ट हैंड रह गए। तो राइट हैंड कौन से हुए? सूर्यवंशी हुए राइट हैंड, और बाकी जो बचे वो हुए लेफ्ट हैंड। अब तक कोई ऐसा लायक निकले तब बात है, मम्मा जैसी लायक अभी तक कोई थोड़े ही मिला है। यहां तो मिल ही नहीं सकता, यहां मैंने कहा जो उस समय ब्राह्मणों का संगठन था, चंद्रवंशी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि का बचा हुआ, उसमें मम्मा जैसा तो कोई निकल ही नहीं सकता। उस गवर्नमेंट में तो एक जाता है दूसरा जगह भर लेता है,
यहां तो ऐसे हो नहीं सकता। तो सभी ख्यालात इन पर आ जाते हैं, सारी जिम्मेवारी और सारा सोच विचार का बोझा इन पर पड़ जाता है। सोचते हैं सभी की सर्विस होनी चाहिए, कहां भी डिसर्विस नहीं होनी चाहिए, फिर भी ड्रामा ही कहा जाता है। जो कुछ हुआ ड्रामा, चिंतन क्यों करें? जो होना था सो हो गया। बच्चों को भी ड्रामा पर खड़ा होना चाहिए, ड्रामा चलता रहता है, उसको देखते चलो। और मोहजीत भी तो बनना ही है, अभी नई दुनिया में जाना है। पुराने बंधन को भूलते जाओ, बलगर में रहो। बच्चे आज भी संभालो, उनको प्यार भी करो, दिल में एक बाप ही याद रहे। इस नए संबंध को ही याद करते रहो। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते मां में कम याद करो तो वर्षा भी याद पड़ेगा। बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, हाथ में कोई लकड़ी आदि लेकर नहीं पढ़ाते हैं कि कोई की बुद्धि तिरक जाए तो लकड़ी मार देवे। नहीं, कभी ऐसा कोई खराब अक्षर नहीं निकालते। और ये बच्चे तो देखो बहुत गंदे गंदे अक्षर निकालते हैं, जैसे कि पीटते रहते हैं। बाबा समझाते जाते हैं, इन बच्चों का भी दोष नहीं है। कोई चरिए खरिए होते हैं, उनकी बात दिल में नहीं रखी जाती है। और ये चरिए कोई अपन को चरिया समझते थोड़े ही हैं, हुआ तो अपन को साथ से अच्छा समझते हैं। अभी तुम बाप के सामने आए हो तो बाप को भूलो मत। बाप दैवी गुण धारण कराते हैं, ऐसे नहीं है कि सभी संपूर्ण बन जावेंगे। यहां तो बहुत ही प्यार से समझाया जाता है, गुस्से से कोई को समझाने से वो भी गुस्सा में आ जाएगा। कोई के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाना है। बहुत बहुत मीठा बनो, जो देख करके सभी खुश हो जाएं। वाह, यहां तो जैसे स्वर्ग में आ गए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बाहर में जाने से किसको वैल्यू नहीं रहती है। नए नए को ले आते हैं वो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए बाहर जाना ही छोड़ दिया। कौन भूख बसरों से बात करेंगे? सभी को बाप के आगे लाने लायक भी बनना बनाना है। किसके पास जाते हैं ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा बेहद का बाप से बेहद का वर्षा लेने जाते हैं तो हम कभी भी पतित नहीं बनेंगे। प्रतिज्ञा पक्की करें तब ही ले जाना चाहिए। किसको कहां ले जाना चाहिए? भट्टी करने के बाद
बाप से मिलाना है तो उनको ही ले जाना है जो पक्की प्रतिज्ञा धारण करें, तब बाप के सामने ले जावे। इंतान होने से आगे ही अपनी चलन को सुधारो, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। रिजल्ट आउट तो जरूर होनी ही है, ये छीछी आदतें मिटाए दो। मुफ्त में घाटा नहीं खाना चाहिए, इसलिए खबरदार होशियार। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 3 अप्रैल 1968। जहां तहां लिखा हुआ है शिव बाबा को याद करो, फिर उससे क्या होगा? ये भी लिखना पड़े, शिव बाबा को याद करने से ही सभी पाप कट जाते हैं, इसलिए शिव बाबा को याद करो। पाप भी कट जाते हैं और पुण्यात्मा भी बन जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो ये नहीं है कि हम कैसे पापात्मा बन गए हैं। कैसे बन गए? पाप क्यों बढ़ते जाते हैं और यहां पाप क्यों कट जाते हैं और हम पुण्यात्मा बन जाते हैं? कारण चाहिए, क्या कारण बतावेंगे? एवर प्योर बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जावेंगे, पुण्यात्मा बन जावेंगे। और एवर इम्प्योर जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब एवर इम्प्योरिटी की तरफ जाते हैं। उनको याद करते करते क्या हुआ? हम पतित पापात्मा बन गए। तुम बच्चों को तो बाप ने समझाया है, ये बातें और कोई समझाए भी नहीं सकता। क्यों नहीं समझा सकता है? क्योंकि देह अहंकार के कारण कोई भी अपन को पतित समझते ही नहीं है। ये तो निरहंकारी बाप आया हुआ है। पतित देश में आता है, पतित तन में आता है, फिर भी बाप तो एवर इम्प्योर एवर प्योर है, समझाने वाला एवर प्योर, और जिसमें आकर के समझाते हैं वो एवर इम्प्योर। तो बुद्धि में क्या रहना चाहिए? हमको कौन समझाते हैं? एवर प्योर बाप समझाते हैं, परम पिता समझाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत पाप किए, तुमको भी ड्रामा के प्लान अनुसार निश्चय होता है। बाप के समझाने मात्र से तुरंत निश्चय हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बरोबर, जबकि हम पहले पहले बाम मार्ग में गए हैं तो हम ही पापात्मा बने। और धर्म वाले जो भी नई नई आत्माएं आती हैं, वो पहले पहले बाम मार्ग में नहीं चली जाती, तो हम ही पहले पतित बने, तो हमको ही पहले पावन बनना है ड्रामा प्लेन अनुसार। रावण राज्य में पहले पहले देवताएं ही वाम मार्ग में गिरे हैं। ये बात बाप ने समझाई है।
और ये भी कुछ न कुछ आते में लून जैसी निशानियां हैं। अभी बाप डायरेक्शन देते हैं पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनने के लिए, कहते हैं याद की यात्रा में रहो अर्थात योग लगाओ, और योग भी स्त्री अथवा पुरुष दोनों को ही लगाना है, क्योंकि तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। ये बातें क्लियर करके समझानी है, क्योंकि यह योग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। और याद कायदे अनुसार लगेगी भी उनकी जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे। फर्क तो बहुत बतलाया है, तुम मुझसे योग लगाते हो और वो रहने के स्थान से योग लगाते हैं। कौन? बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं, पहले सब ब्राह्मणों की दुनिया में ही देखना चाहिए। हैं? नहीं, तुम मुझसे योग लगाते हो जो एवर प्योर है, और वो एवर प्योर जिसमें प्रवेश करता है ब्रह्मा, उसको याद करते हैं भक्ति मार्ग में, फिर इसी को फॉलो किया है। किसको याद करते हैं? ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बेसिक वाले किसको याद करते हैं? रहने के पांच तत्व वाले तुरिया स्थान को याद करते हैं। और तुम किसको याद करते हो? तुम तो जानते हो कि पति तन में, पति देश में पावन एवर प्योर बाप आया हुआ है, तो किसको याद करना है? पति तन को याद करना है, सिर्फ पति तन को याद करना है, या पतित पावन जो बाप आया हुआ है उस स्वरूप को याद करना है? पतित पावन की निशानी क्या होगी? वो बाप है निराकार, तो जिस तन में आता है बाप बन के प्रत्यक्ष होता है, तो वो तनधारी भी क्या दिखाई देता है? निराकार स्टेज वाला दिखाई देता है, तो एक आकार हो जाता है। अभी तो सब पापात्मा बन गए हैं, तुम्हारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। माना ऐसे नहीं सिर्फ निराकार को याद करना है, निराकार अगर साकार में न हो तो प्रवृत्ति बनती है, तो प्रवृत्ति नहीं बनती। ये बातें क्लियर करके समझानी है। ये भी बच्चे समझते हैं, हम कभी भी ब्रह्मा से योग नहीं लगाते हैं, हैं? यहां कोई ऐसे बैठे हैं जो जिनको ब्रह्मा याद आता है? कोई नहीं है? कोई नहीं। हम कभी ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, न लगाया है, न कभी साधु संत के कहने से लगा सकते हैं। क्या कोई साधु संत कहे कि ब्रह्मा बाबा को याद करो, ऊपर शिवलिंग का चित्र और नीचे ब्रह्मा बाबा, ऐसे याद करो? ऐसे समझाने वालों को तो फिर क्लियर समझाना होता है। एक बाप से योग लगाने से सुख का वर्षा मिलेगा, औरों से योग लगाने से दुख का वर्षा मिलेगा। बच्चों को खुशी होती है, और वो लोग तो सुख के अनुभव को जानते ही नहीं है। कौन?
जो ब्रह्म महत्त्व को याद करते हैं अथवा ब्रह्मा को याद करते हैं, वो असली सुख क्या होता है इस जीवन में, जीवन मुक्ति क्या होती है, उस जीवन मुक्ति के स्वरूप को जान ही नहीं सकते। तुमको समझाया जाता है, तुम सुख के अनुभव को जानते हो, तुम हरेक धर्म को, सारी दुनिया को समझते हो, आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम्हारी बुद्धि में पहचान है, जानते हो फलाने फलाने धर्म वाले इतना ज्ञान नहीं उठा सकेंगे। क्यों नहीं उठा सकेंगे? और धर्म वाले इतना ज्ञान क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि और धर्म वालों ने तो भक्ति ही बाद में शुरू की है, और हमने पहले पहले भक्ति शुरू की है, उन्होंने थोड़ी भक्ति की है और हमने जास्ती भक्ति की है। तो जितना जो जास्ती भक्ति करेगा उतना ज्ञान भी उठावेगा। हमको तो भारतवासियों को ही देना है क्या? वही तो देवताएं ऐसे हैं, देवात्माएं जो द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो गए। इब्राहिम आया और अपने फॉलोअर्स को साथ लाया और ढेर के ढेर कन्वर्ट होकर के चले गए देवता धर्म वाले, तो उनको पक्का भारतवासी कहें? क्यों? वो तो द्वापर की शुरुआत से ही कन्वर्ट हो गए। वो बाप को अच्छी रीति जानते ही नहीं है। जो पक्के भारतवासी होंगे वो बाप को अच्छी रीति जानते हैं। तुम्हारे पास म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी में आते तो बहुत हैं। म्यूजियम में आते ही आते रहते हैं। प्रदर्शनी में तुम कितना खर्चा करते हो तो भी इतनी रिजल्ट नहीं निकलती है। कितनी? जितनी म्यूजियम में निकलती है। प्रदर्शनी के चित्र तो चलचित्र होते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाओ, जैसे कोई खोंचे का माल बेचता हो हाथ पर थाली लग करके, तो उसका माल लोग ज्यादा खरीदते हैं या बड़ी दुकान में जहां माल रखा होता है उसको ज्यादा खरीदते हैं? भीड़ कहां ज्यादा लगती है? दुकान वाले के पास भीड़ लग जाती है। तो ऐसे ही म्यूजियम में तो स्थायी चित्र होते हैं और प्रदर्शनी में चलचित्र होते हैं, एक जगह से स्थान से उठाए दूसरे स्थान, दूसरे से उठाए तीसरा स्थान। तो प्रदर्शनी में आते तो बहुत हैं, लेकिन इतनी रिजल्ट नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि खोंचे वाले को लोग इतना मान मर्तबा नहीं देते हैं। म्यूजियम में तो एक ही बार खर्चा होता है, फिर उनको रिमाइंडर भेजते रहो, पर्चों में भी ऐसे ही लिखो, शिव बाबा को याद करो, भगवान वाच, माम एकम याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के भी कर्म भस्म हो जाएंगे। अभी तुम्हारा काम है सभी को रास्ता बताना, ये तो जानते हो, बाप रास्ता बताते रहते हैं, तुम भी औरों को रास्ता बताते हो, मैसेज पहुंचाते हो। बाकी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो कॉमन बात है, मनुष्यों ने लाखों वर्ष लगाए दिए, तो लाखों वर्ष की बात आने से कोई भी बात स्मृति में आती ही नहीं है, तुमको तो झट स्मृति में आ जाता है। बाप ने 84 लाख का चक्कर भी समझाया है कि कब कोई 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं,
सिर्फ 84 का चक्र है कि 84 लाख का चक्र है, समझाना। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति है अंधश्रद्धा, ज्ञान में कोई अंधश्रद्धा का नाम निशान नहीं होता। भक्ति मार्ग वाले भक्ति ही सिखलाते रहते हैं। अभी तुम हो नए ज्ञान के धर्म वाले, तुम तो भक्त नहीं हो, तुमको बाप आकर के सदगति का रास्ता बताते हैं। एक बाप से आती है ज्ञान की प्रारब्ध और अनेक गुरुओं से आती है भक्ति की प्रारब्ध। भक्ति से दुख होता है, धक्के खाते रहते हैं। बाप तो पढ़ाते हैं कि बेहद का बाबा है, बाप भी है, टीचर भी है, नॉलेज भी देते हैं। षष्ठी की आदि मध्यंत की सीढ़ी कैसे उतरते हैं, कैसे चढ़ते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है। सत्युग से उतरते उतरते कलयुग में आए, फिर अभी सीढ़ी चढ़ते हो योग बल से, तो तुम जानते हो क्या कि कैसे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं। योग बल से चढ़ते हैं और भोग बल से उतरते हैं। सीधे सीधे अक्षर नोट करने चाहिए। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तुम्हारी म्यूजियम में थोड़े थोड़े आते हैं, वो अच्छा है। ढेर के ढेर मनुष्य आ गए, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। तुमको तो हड़बड़ लगती है कि बहुत आ जावे। बाप कहते हैं भल थोड़े आवे, उन थोड़ों को तुम धीरे धीरे समझाओ। हड़बड़ में कोई को समझाएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, फाउंडेशन ही कच्चा रह जाएगा। जो मनुष्य होंगे वो ही समझ सकेंगे। मनुष्य किसे कहा जाता है? मन का उपयोग करने वाले जो मनुष्य होंगे वो ही समझ सकेंगे। जानवर तो सच के आदि मध्यंत को नहीं जानेंगे। पढ़ाई मनुष्यों की सेवा है, और कोई को तो पढ़ाते नहीं है। तो पढ़ाई को भी सिद्ध करना है। बाप एम ऑब्जेक्ट बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, डबल सिरताज बनाता हूं। वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है। बोलो बहनों और भाइयों, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। परमात्मा और आत्माओं का मेल है, ये मेला अभी ही बरोबर है। ये है असली मेला। बाकी जो मेले होते हैं वो सब मेले बनाने वाले हैं। जैसे तुम शरीर में हो, बाप भी कहते हैं मैं शरीर में आता हूं, तुम उन बाप को ही याद करते हो, उनसे ही तुम सुनते हो, और कोई से तो तुम सुनते भी नहीं हो। जो भी पहले आते हैं उनसे फार्म भराना है। बिगर फार्म भी तुम पूछ सकते हो। तुम्हारे कितने बाप हैं फिर बताओ? एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। पारलौकिक आत्माओं का बाप है,
जब आत्मा आकर के माता के गर्भ में प्रवेश करती है तो फिर मां कहना पड़े, मां फिर बाप का परिचय देती है। तीन चार 68 की वाणी का दूसरा पेज। मां होती है साकार, बाप होता है निराकार। बच्चा पहले मां को क्यों पहचानता है? मां होती है साकार और बाप होता है निराकार। निराकार को भी जरूर याद करते हैं। अभी तुम जानते हो बाप साकार में आए हैं, कल पहले भी आए थे, तब भी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई थी। ये राजयोग की पढ़ाई है ना, और इस पढ़ाई में अहम ऑब्जेक्ट भी है, और कोई पढ़ाइयों में अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो ये है सच्ची गीता पाठशाला, यहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो, और मनुष्य से देवता बनने वालों में भी नंबर वार है। सब कोई एक जैसे ऊंच देवता नहीं बनते हैं। कौन कौन क्या देवता बने, मुख्य है ये लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी ये बनने की एम ऑब्जेक्ट है। नरसिंह नारायण बनना है, और इतना ऊंच बनाने वाला तो बाप ही है। नरसिंह नारायण डबल सिरताज, फिर नरसिंह नारायण सिंगल ताज वाले भी हैं। ये क्या बात हुई? तीन तरह के बता दिए नरसिंह नारायण बनने वाले। एक नरसिंह नारायण डबल सिरताज, दूसरे नरसिंह नारायण सिंगल ताज वाले, और तीसरे बिगर ताज वाले भी बनते हैं, नारायण जैसे राजा। क्या मतलब हुआ? क्या पुरुषार्थ है तीनों का? कोई अंतर है या नहीं है? जो नरसिंह नारायण डबल सिरताज बनते हैं उन्होंने जरूर डबल पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? इसी जन्म में पवित्रता की जिम्मेवारी भी धारण की है, और नई दुनिया को संभालने की भी जिम्मेवारी, नए संगठन की संभाल करने की भी जिम्मेवारी धारण की है। पवित्रता का ताज भी है और फिर स्थूल जिम्मेवारी भी है, यानी इसी दुनिया में पवित्र भी बन करके दिखाते हैं और दूसरा नई दुनिया का संगठन भी बनाकर दिखाते हैं। कैसी नई दुनिया? जहां यथा राजा तथा प्रजा हो। फिर दूसरा नंबर, नरसिंह नारायण तो बनते हैं परंतु सिंगल ताज धारण वाले करने वाले बनते हैं। सत्युग में जो भी नारायण बनेंगे वो डबल ताज वाले होंगे या सिंगल ताज वाले होंगे? एक पवित्रता की लाइट ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती है सफेद सफेद, और एक सिर्फ ताज धारण किया हुआ है जिससे साबित होता है कि ये राजा हैं, कंट्रोलर हैं। तो जो सत्युग में नारायण होंगे और संगम युग में जो नारायण होंगे उनमें क्या अंतर होगा? संगम युगी नारायण को पवित्रता का स्पष्ट चार्ज देखने में आवेगा, और
जो सत्युग में नारायण होंगे उनको इस जीवन में ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना नसीब होता जिससे इसी जीवन में उनके मुख के चारों ओर वो पवित्रता का लाइट देखने में आवे। जो सात नारायण आठ होते हैं सत्युग में वो पवित्रता की पूरी जिम्मेवारी धारण करते हैं क्या? नहीं धारण करते। और तीसरे हैं द्वापर कलयुग के नारायण जैसे राजा बनने वाले, उनको न पवित्रता का ताज होता है और न संगठन की ऐसी जिम्मेवारी धारण करते हैं जो कहा जाए यथा राजा तथा प्रजा। बहुत राजाओं का नाम लक्ष्मी नारायण होता है, पवित्र राजाओं का वही नाम तो अपवित्र राजाओं को भी वही नाम दे दिया है। अब सिर्फ नाम रखने से क्या होता है? मुख्य है यह है लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं। इनको सिंगल ताज, डबल ताज या नो ताज, इनको कहेंगे डबल ताजधारी। इनका दूसरा टाइटल क्या है? भगवान भगवती। भगवान आते हैं तो भगवान भगवती ही बनावेंगे, तो ऊंच से ऊंच टाइटल इनका है भगवान भगवती। जरूर उनको भगवान ने राज्य दिया होगा। भगवान वाच, अभी मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये नहीं कहते हम तुमको राजयोग सिखाता हूं, क्या कहा? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ऐसे तो नहीं कि कोई ने भी सिखाया होगा, कृष्ण ने सिखाया होगा या फलाने ने सिखाया होगा। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है और एक ही टीचर है, बाकी कोई दूसरे उनको ज्ञान देने वाला टीचर नहीं कहेंगे, वो तो सब भक्ति ही सिखलाते हैं। पहले पहले तो निश्चय बुद्धि चाहिए, एक की पहचान चाहिए। ऐसे सिर्फ कहना शिव बाबा को याद करो, इससे भी कोई समझेंगे नहीं। जब तक उनको स्पष्ट करके दो बेहद के बाप का परिचय न मिले। कौन से दो बेहद के बाप? एक आत्माओं का बाप, पारलौकिक बाप, और दूसरा इस हद की सृष्टि का बेहद का बाप, मनुष्य मात्र का पिता। शिव का तो चित्र ही अलग है। क्या चित्र अलग है? अरे शंकर का चित्र अलग है और शिव का चित्र अलग है। शिव का चित्र क्या है? वो लिंग ही रूप में दिखाते हैं, और शंकर को हाथ पांव नाक आंख कान साकारी रूप में भी दिखाते हैं, आकारी रूप में भी दिखाते हैं। तो शिव का तो चित्र ही अलग है। शिव का चित्र होता है, है? विचित्र तो है, लेकिन उसका चित्र ऐसा है जो संपन्न स्टेज में ही पूरा समझ में आता है। वो संपन्न स्टेज क्या है? जैसे कि नाक आंख कान हाथ पांव इंद्रियां होते हुए भी नहीं है, निराकारी स्टेज वाली है। इंद्रियां हैं परंतु इंद्रियां अपने भोग में व्यस्त होने वाली नहीं। कृष्ण का तो बिल्कुल अलग चित्र है। कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे। कृष्ण से इशारा किस तरफ है? ब्रह्मा की तरफ। ब्रह्मा का कोई भी चित्र, हजारों लाखों चित्र निकले होंगे,
लेकिन कोई भी चित्र ऐसा नहीं है जिसमें उनकी निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती हो। सारे ही चित्र साकार अवस्था को प्रदर्शित करने वाले। कृष्ण को कहेंगे रचना, क्या रचयिता किसको कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे रचयिता। कौन सी कृष्ण को कहेंगे रचना? सतयुग का जो कृष्ण है वो भी रचना है, और उसका रचने वाला रचयिता शिव बाबा। तो वो है रचना और वो है रचयिता। रचना कैसी और रचयिता कैसा, फर्क क्या है? कुछ फर्क होगा कि नहीं होगा? अरे रचयिता है निराकार स्टेज वाला, ऐसे नहीं कि बिंदु है। बिंदु को रचयिता नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माएं तो अनादि हैं। जो अनादि हैं उनको न रचयिता कहा जाएगा और न रचना कहा जाएगा। रचना उसे कहा जाए जो पहले नहीं थी फिर बाद में रची गई। तो रचयिता है निराकार स्टेज वाला और रचना है कृष्ण साकार स्टेज वाला। जैसे बीज है वृक्ष का, वृक्ष का बीज अति सूक्ष्म, और फिर जड़ें और पत्ते साकार कहें या सूक्ष्म कहें, साकार ही कहेंगे। तो बच्चों को बाप का परिचय चाहिए, बीज बाप को कहा जाता है। बाप शिव परम पिता परमात्मा है, वो है सभी आत्माओं का पिता। पहले पहले बच्चों को माथा ही इस बात पर मारना है। किस बात पर? कौन से चित्र के आगे ले जाओ है? मूर्ति के शिव के चित्र के आगे ले जाओ, उस बात पर समझाओ। उनकी महिमा सहज सहज समझानी है। तो बेसिक वाले कौन से चित्र के ऊपर ले जाते हैं? निराकार शिव ज्योति बिंदु के ऊपर ले जाते हैं। अब उसकी महिमा कैसे होगी? महिमा और दुर्गुण साकार के होते हैं या निराकार के होते हैं? साकार के होते हैं। तो बाप की महिमा समझाना बहुत सहज है। ऊंचते ऊंच वो ही भगवान है। भक्ति मार्ग वालों ने क्या किया? शिवलिंग दिखाते हैं, 32 किरणें दिखा देते हैं, उसमें बिंदु दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं ये रचयिता है। अब बिंदु तो रचयिता होने की बात ही नहीं। वो रचयिता तो तब बने जब कोई साकार में प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद ही कहा जा सकता है ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे, नहीं तो कंट्रास्ट साबित ही नहीं होता। गाया भी जाता है सकल सामिद्री तुमरे सूत्रधारी, सूत्र में सभी दाने मोती रुंडमाला के पिरोए हुए हैं। रुद्रमाला कितनी बड़ी माला है, 500 करोड़ मनुष्य हैं, कितनी बड़ी रुद्रमाला हो गई, और सभी की सदगति करते हैं। कैसे करते हैं वो फिर तुमको समझाना है। इस समय तो सभी दुर्गति में हैं, तब तो सदगति का नाम निकालते हैं। गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति, ये नाम अभी निकलते हैं। किस आधार पर? काम के आधार पर नाम निकलते हैं।
मुक्ति नाम किस आधार पर निकला? दुख दर्दों से मुक्त हो जाए आत्मा, दुख दर्द के बंधनों से मुक्त हो जाए, देह के बंधनों से मुक्त अनुभव करे तो हो गई मुक्त। और जीवन मुक्त, जीवन में भी रहे और जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्ति का अनुभव करे। सदगति और गति, सदगति देने वाला एक ही बाप है, तुम एडाप्ट होते हो साकार प्रजापिता ब्रह्मा से, फिर तुमको पढ़ाई मिलती है। आकारी से पढ़ाई नहीं मिलती, आकारी से पढ़ाई नहीं मिलती है, पढ़ाई सिर्फ साकार प्रजापिता ब्रह्मा से मिलती है, जिससे तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। और विष्णुपुरी कहाँ होती है, कौन से युग में होती है? विष्णुपुरी सिर्फ संगम युग में ही होती है। माना जो ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, सिर्फ ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं वो विष्णुपुरी के मालिक नहीं बन सकते, विष्णुपुरी में जाए भी नहीं सकते। तुम विष्णु की माला में पिरोए जाते हो, परंतु विष्णु को बाप नहीं कहेंगे। क्या ऐसे नहीं कि विष्णु कोई बाप है, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है, विष्णु से दो रूप निकलते हैं, जैसे शिव से शैव अक्षर, ब्रह्मा से ब्राह्मण, ऐसे ही विष्णु से वैष्णव अक्षर निकला है। विष्णु के दो रूप निकलते हैं, कौन कौन? लक्ष्मी और नारायण, ये हैं संपूर्ण निर्विकारी। वैष्णव निर्विकारी को कहा जाता है, कैसे निकला वैष्णव शब्द? विष्णु से। विष्णु का अर्थ क्या हुआ? विष का नाम निशान न हो, न विषैली दृष्टि, न विषैले वाइब्रेशन अनुभव हो, न विषैली वाचा, वाचा भी कैसी हो, अति मीठी। जोर से कोई चिल्ला के बोलता है तो क्या कहें कि वैष्णवी भाषा है? नहीं है। क्या डायरेक्शन है? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, तो संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मेंद्रियों से, कहीं से भी कोई तुर्ष देखने में ना आवे। वैष्णव जो होते हैं वो काव्य विकार में नहीं जाते, हिंसा नहीं करते हैं। वैष्णव के राज्य में तो देवताएं ही होते हैं, और देवताओं की तो लड़ाई हो न सके। शास्त्रों में क्या दिखाई दिया है? शास्त्रों में तो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई दी, वास्तव में है कहां की बात? यहां संगम युग की बात है, फाइनल स्टेज की। फाइनल स्टेज की जब महावारी महाभारत युद्ध होती है तो उसमें जो असली वैष्णव होंगे वो हाथापाई बाहुबल नहीं करेंगे, जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो हाथापाई भी करेंगे, बाहुबल चलावेंगे, उनकी इंद्रियों में तुष्टता देखने में आवेगी। वहां उस दुनिया में तो राज्य ही एक होता है, एक राजा एक राज्य। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई तो है ही नहीं, देवताएं सतयुग में होते हैं,
और दैत्य कलियुग होते हैं। तो देवताएं तो कब लड़ते ही नहीं, लड़ाई इस समय तुम पांडवों की है मायावियों के साथ, मायावियों के साथ माना दूसरों को दिखाते हैं सफेद कपड़े पहन करके कि देखो हम सात्विक हैं, सात्विक विचारधारा वाले हैं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो असली रूप समाज के सामने आ जाता है, पता लग जाता है ये कोई देवता धर्म के नहीं है, ये तो असुर हैं। और असुर भी ये पांच विकार हैं, जिनमें पांच विकार हैं उनको असुर कहा जाता है। ये बातें तुम क्लियर करके समझा सकते हो। अभी तो रावण राज्य है, हर वर्ष भा मारते भी रहते हैं रावण को, तो भी समझते नहीं है। क्या समझना है? एक वर्ष रावण को मारा, फिर अगली वर्ष रावण तैयार हो जाता है, और ही बड़े रूप में तैयार कर देते हैं। इसका रहस्य क्या है? हैं? इसका रहस्य यहां शूटिंग पीरियड में देखने को आता है कि रावण को मारने का जितना पुरुषार्थ करते हैं उससे और ही बड़ा रूप रावण का बन जाता है। कैसे? बाप आते हैं ब्रह्मा के तन के द्वारा ब्राह्मणों की तैयार, ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण और निष्कष्ट ब्राह्मण। रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मणों की संख्या बहुत होती है, वो भक्ति मार्ग की बातें ही फैलाते रहते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो थोड़े होते हैं, वो ज्ञान मार्ग की बातों को पकड़ते हैं। तो एक तरफ ज्ञान मार्ग बहुत थोड़ा देखने में आता है, मुट्ठ भर, और भक्ति मार्ग वाले ढेर के ढेर देखने में आते हैं। वो सब भक्ति मार्ग की परंपरा ही अपनाते हैं, उनको कहा जाता है असुर। तुम तो क्लियर करके समझा सकते हो, प्रैक्टिकल बातें हैं। पहले पहले ये सिद्ध करना है कि दो बाप हैं, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। अभी पारलौकिक वेद के बाप को याद करना है, वो बाप है नई विश्व का रचयिता, उनको याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। नई विश्व का रचयिता होगा तो नई विश्व तैयार होने तक वो रचयिता बाप इस सृष्टि पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इशारा करके बताओ, उस नई विश्व को बनाने वाले बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और फिर तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और पवित्र बनो। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। जो बच्चे सर्विस पर रहते हैं उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें रहती हैं, ख्यालात चलता है, अनेक प्रकार से पॉइंट समझाने के लिए पॉइंट याद रहती है। जो सर्विस नहीं करते उनको तो पॉइंट्स भी याद नहीं रहती है। विचार सागर मंथन बुद्धि में चलेगा ही नहीं। इसको जो सर्विस फील्ड में नहीं रहते हैं उनका विचार सागर मंथन चल नहीं सकता। फिर उनके अनेक जन्मों की, जो अनेक जन्मों की उनकी कहानी है वो भी प्रत्यक्ष हो नहीं सकती। जो जितना ज्यादा सर्विस पर रहेंगे उनके अनेक जन्मों की कहानी भी जल्दी प्रत्यक्ष होती रहेगी। पढ़ाई में कोई कच्चे होते हैं, कोई पक्के होते हैं। जितना पुरुषार्थ जोर से करेंगे उतना अडोल और अचल बने रहेंगे, माया उनको हिलावेगी नहीं। अंदर में आता तो है ना, माया के तूफान भल कितना भी हिलावे
परंतु हम अडोल बन करके दिखा दो, ये पिछाड़ी की अवस्था होनी है। विनाश के बाद ऐसा देखने में आवेगा। बाप तो कहते हैं बिल्कुल सहज समझाने दी जाती है, तूफान बल कितने भी आवे उनसे डरना नहीं है, आंखें भी बड़ा धोखा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझने से दूसरे को भी आत्मा देखेंगे, कोई धोखा नहीं आवेगा। ये पिछाड़ी की कर्मातीत अवस्था है। फिर भाई बहन की अवस्था से भी ज्यादा पक्की अवस्था हो जाएगी, भाई भाई हम आत्मा है, फिर शरीर का भांड भी खलास हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।